अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरवाफियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैजान शाकिर, और आप देख रहे हैं जनाबे वाला मेरा यूट्यूब चैनल देसी टेक एक्सप्लोरर। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के ऊपर पिछले 3 से 5 दिन के अंदर वीडियो नहीं अपलोड की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड था। सैड किस वजह से था कि रिसेंटली मेरे साथ स्कैम हुआ है, तकरीबन 24,000 से 25,000 का। स्कैम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये एक बहुत लंबी कहानी है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, मेरी कान खोल के एक बात सुन लें, ये स्कैम इस वक्त इंडिया में, पाकिस्तान में फुल ट्रेंड पर है। लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं है। ये स्कैम कैसे करते हैं आपके साथ, ये आपको एक झांसा देते हैं नौकरी का, पार्ट टाइम जॉब का, और उसके बाद आपके साथ स्कैम करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कभी व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आए कि हम आपको पार्ट टाइम जॉब देंगे या कोई जो है ना वो आपको काम देंगे, और वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट करके आपको किसी भी तरीके से टेलीग्राम के ऊपर लेकर जाएं, तो मेरी कान खोल के बात सुन लीजिएगा, बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि कहावत है कि अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो इसी तरीके से आपको जब भी कोई बंदा टेलीग्राम की तरफ गाइड करे कि टेलीग्राम के ऊपर आ जाएं, आप कहेंगे टेलीग्राम नहीं बढ़ रहा क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, तो वो आपको कहेगा कि जनाब वीपीएन लगा कर आ जाएं, तो भाईजान सारा सारा फ्रॉड है, आप बहुत पछताएंगे। अल्लाह पाक की कसम, आपका भाई बहुत पछता रहा है, ठीक है। आपके भाई का तो प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ गया, मेरा तो 24-25 हज़ार का जो है ना वो लॉस हुआ है। मेरे अगले 3 मंथ जो है वो बिल्कुल वो कह लें कि सैड है। चले, मैं आपको विद प्रूफ से सारा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मेरे साथ इन्होंने गेम खेली और कैसी हैवी गेम खेली, और कैसी ये खुदा पाक की कसम यही गेम ये इन्होंने लाखों करोड़ों के साथ खेली है। जब मैंने मेरे साथ ये स्कैम हो गया, तब मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज थी, लेकिन हमारी जब अकल बंद हो जाए हम यूट्यूब के ऊपर सर्च नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा ये मेरे भाई या मेरी किसी बहन के साथ और ना हो, इंडिया में हमारे जो भाई बहन हैं या जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके साथ ये नेक्स्ट स्कैम ना हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है ताकि आप इस स्कैम से बच सकें। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और विद प्रूफ मेरे साथ इन्होंने कैसे गेम खेली सारा डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप भी विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग के काबिल हो सकें। चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, कंप्लीट A to Z रहनुमाई आपकी करूंगा। बस आप नेक्स्ट इनके टारगेट आप भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। इसलिए अगर कोई बंदा कोई बात बताए, कोई इन्फॉर्मेशन बताए, तो उसको लाजमी सुनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले ये कहेंगे कि हम फाइवर से हैं या अपवर्क से हैं। तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने कहा जी कौन, तो उन्होंने कहा हेलो आई एम आयशा, ठीक है, हम अपवर्क के जो है ना वो मैनेजर हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, यस। उन्होंने हमें बताया कि हम अपवर्क की जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, कंपनी है हमारे पास, और हम यहाँ पर सोशल मीडिया का वर्क करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है या कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, हम उनके साथ लिंक हैं। मैंने कहा ठीक। उन्होंने कहा योर जॉब रोल इज़ एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक गूगल मैप्स, यूट्यूब इटसी, कि आपने गूगल मैप्स या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना उसका वर्क करना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ एक्सप्लेन सैलरी प्रोसेस, तो मैंने इसमें कहा कि हमारा सैलरी प्रोसेस क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि वी विल पे यू ऑन डेली बेसिस, पेमेंट इज़ थ्रू इजी पैसा, जैस कैश एस, बैंक ट्रांसफ़र, टेलीग्राम बाय आवर रिसेप्शनिस्ट, कि आपको आपकी जो पेमेंट है वो आपको आपके इजी पैसा, जैस कैश और बैंक ट्रांसफ़र में अदा की जाएगी। किसके ज़रिए से, आपको एक टेलीग्राम के रिसेप्शनिस्ट जो है वो उस एक टेलीग्राम के बंदे से ही आपको सारा काम मिलेगा, ठीक है। आसान अल्फाज में अपने भाइयों को समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि यू कैन अर्न डेली के आप इससे 8,000 से 15,000 रुपया जो है ना वो आप अर्न कर सकते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बता दी कि एक टास्क का आपको 150 रुपया मिलेगा। तो मैंने कहा यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ज़रूर इसको जो है ना वो लाजमी फॉलो करना चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया कि ओके आई एम रेडी।
तो उन्होंने कहा कि आपका फर्स्ट टास्क है कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जस्ट सब्सक्राइब भाईजान सब्सक्राइब करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें यहाँ पर फॉरवर्ड करना है। तो आपके भाई ने जल्दी से सेकंड लगाया और स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दिया और नीचे एक डन का प्यारा सा मैसेज भेज दिया। तो उन्होंने कहा ग्रेट, आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ योर एज, तो मैंने उनको वो सारी अपनी जो है ना यहाँ पर चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि, मैंने कहा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। उन्होंने कहा कि आप टेलीग्राम का अकाउंट क्रिएट करें। तो मैंने कहा वो मेरे से नहीं बन रहा, तो वो पाकिस्तान में बैन। तो उन्होंने कहा VPN लगाएं। तो मैंने VPN लगा के अपना जो टेलीग्राम जब अकाउंट बना लिया, तो मैंने कहा यस सक्सेसफुल क्रिएट टेलीग्राम अकाउंट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो यूज़र नेम है, ठीक है, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है और ये आपका सैलरी कोड होगा, ये आपने उस रिसेप्शन जो रिसेप्शनिस्ट है उसको बताना है, जो बंदा या बंदी है। मैंने कहा ओके। तो यहाँ पर मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को यहाँ पर सैलरी कोड भेजा, ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल भेजी। तो उसने मुझे नेक्स्ट मैसेज किया कि आप अपना सिटी, एज और ऑक्यूपेशन और अकाउंट नंबर बता दें कोई भी। तो मैंने उसको सारी डिटेल यहाँ पर सेंड कर दी। अब यहाँ से हम मूव करते हैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे साथ यहाँ पर ये देखें, मैंने उसको सारी यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर, ये मेरी उस रिसेप्शनिस्ट के साथ चैट हो रही। चले मूव करते हैं टेलीग्राम, लेकिन ये नंबर नोट कर लें भाई, यहाँ पर ये वाला नंबर है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ और ये +27, ये आई थिंक USA या साउथ अफ्रीका का नंबर है मेरे हिसाब से, या UK का है। जिलान अरमानी इसके ऊपर लिखा हुआ है, या जैसे भी +27 +28 ये ऐसे नंबर आते हैं, ये साउथ कोरिया का नंबर है, साउथ अफ्रीका का, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको बोलेंगे कि पार्ट टाइम, लेकिन ये मेरी बात याद रखना, जब ये आपको पार्ट टाइम जॉब देंगे या कोई भी ऐसा काम देंगे और उसके बाद आपको टेलीग्राम के ऊपर मूव करेंगे, तो समझ लें ये सरासर स्कैम है। अब चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम हमारे पास ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस रिसेप्शनिस्ट के पास आया था मैं, और यहाँ से मेरी जो है ना वो गेम शुरू हुई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने उनको अपनी डिटेल दी, इसने कहा कि, मैंने कहा ये मैंने टास्क किया सब्सक्राइब चैनल, और उन्होंने कहा ये डिटेल पुट कर दें और आपकी सैलरी जो है वो आपको आपके इजी पैसा जैज़ कैश, ठीक है। तो मैंने कहा जैज़ कैश, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको रिसीव हो जाएगी। और उन्होंने फिर कहा कि टास्क हमारे रूल हैं, 24 असाइनमेंट हैं, जिनमें से 5, 11, 16 जो है वो मर्चेंट असाइनमेंट हैं, जिनमें आपको जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं आगे, नेक्स्ट मैंने ओके कर दिया, ठीक है, मैं कहा चीज़ें देखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे है ना वो ग्रुप में एक ऐड कर दिया, जिसका नाम था यहाँ पर अपवर्क टीम 008। अभी उन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया, यहाँ पर मेरे पास ग्रुप जो है ना वो शो नहीं हो रहा। और अभी उस बग़ैरत के रंडी, मैं क्या कहूँ यार, उसके अभी भी मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, उसका मैसेज पढ़ लेते हैं, वो बाद में दिखाता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे जो फर्स्ट काम दिया, उन्होंने कहा कि क्लिक दी लिंक, चले क्लिक की करते हैं लिंक के ऊपर, अगर शायद यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। और ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस आएगा प्यारे भाईजान। यहाँ पर उन्होंने आपको बताना है कि वोट नंबर 14, आपने जस्ट ये 14 नंबर के ऊपर वोट करना है और आपका यहाँ पर टास्क कंप्लीट होगा। यहाँ पर इसका वोट करके आपने स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर आपने बैक आ जाना है, और इनको बंदा जो है या बंदी पता नहीं क्या पीछे बैठी हुई बला, इनको आपने सेंड कर देनी है, ठीक है। तो मुझे पहली बार समझ नहीं आया था, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे करना है, तो फिर मैंने उनको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब एक बात यह है कि ये बगैर टास्क के और स्कैम के चक्कर में इतने पागल हैं कि आप इनको गलत भी यहाँ पर वोटिंग देंगे ना, बस इनको मतलब नहीं, इनको आपको एक लाइन के ऊपर लेकर आना। लाइन पे ऊपर कैसे लेकर आते हैं, चले बताता हूँ। यहाँ पर उसने मुझसे पूछा कि टास्क नंबर क्या है, तो मैंने उनको बता दिया, उन्होंने कहा रिकॉर्ड 1। फिर एक टास्क में आपको 150 की अर्निंग होती है, जिसमें 3 आपने वोटिंग करनी होती है, ठीक है। और ये हमारा टास्क 2 था, और यहाँ पर टास्क 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब वो कहते हैं कि प्लीज़ वेट फॉर दी पेमेंट। तो यहाँ पर हमारी पेमेंट जो थी वह कहते थे कि सर्वर स्लो है, आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क में उन्होंने मूव कर दिया। तो यहाँ पर साथ ही उसने जो ये मरियम बेगम है, साहबा है, इन्होंने मुझे एक सेंड की कि यहाँ पर आपने अभी जो नेक्स्ट टास्क है ये मर्चेंट टास्क है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, ठीक है, 2800 रुपये आपको बनेंगे 2000 से, तो आप इसमें लाजमी जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन मैंने इनको कोई गोली चोली करवा दी, मैंने कहा नहीं भाईजान मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। तो ये किसी भी तरीके से मेरी गोली में आ गए और मान गए, और नेक्स्ट जो उन्होंने मुझे गोली करवाई, तोबा तोबा।
अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम ओके ठीक है। अब उन्होंने मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट दे दी कि आपने जस्ट 3 वोटिंग करनी है और हम आपको फिर 150 देंगे। 150 पहले आ चुका था, 150 अब आ गया, 300 रुपया हो गया। मैं बड़ा खुश यार, मैंने कहा बहुत अच्छा काम है, 3 वोटिंग करनी है और जस्ट इतने पैसे आ रहे हैं तो यार और क्या जाता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे, शाम हो गई थी, मैंने 3 बजे ये काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गुड नाइट, ये कल अब 9 बजे आपने यहाँ पर ऑनलाइन आना है टेलीग्राम के ऊपर और नेक्स्ट जो कल का वर्क होगा वो आपके साथ कल शेयर किया जाएगा। तो मैंने कहा ओके बीबी जान, ठीक है, कल आएंगे इंशाल्लाह, लाजमी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अर्निंग हो रही है। तो अब नेक्स्ट हमारी ये पहली असाइनमेंट थी और इसमें उन्होंने हमें टास्क प्रोवाइड किया, तो जिसमें 3 स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए और उसने कहा वेट करें पेमेंट का, तो पेमेंट मुझे दस्ती 1 मिनट में आ जाती है। ठीक है भाई जान, ये इनका जानसा देखें, इनकी बगैरती देखें कि 1 मिनट में पेमेंट भी आ जाती। अब नेक्स्ट कहते हैं कि एक्स्ट्रा कमीशन 3,000 रुपये किया और नेक्स्ट जो है वो इन्होंने फिर मुझे कहा कि जो 4 टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए थे, तकरीबन 300-500 रुपया मैंने कमा लिया था। नेक्स्ट उन्होंने मेरा एक अतमान, मेरा एक यकीन कायम कर लिया था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो टास्क है नंबर 5, ये वेलफेयर मर्चेंट टास्क है और इसमें आपको कम से कम 2,000 इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। मैंने कहा यार ऐसे है कि मैं कल का इसके ऊपर लगा हुआ, रुपये तो मुझे आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्या जाता है, एक बार रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो आपके भाई ने बिना सोचे समझे यहाँ पर 2,000 रुपया इनको सेंड कर दिया। इन्होंने क्या कि प्लीज़ वेट करें, आपकी वेरिफिकेशन हो रही है, अभी आपको वेरीफ़ाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जब वेरीफ़ाई कर ली, उन्होंने मुझे एक हमज़ा साहब हैं उनके पास मुझे भेजा कि ये आपके टीचर हैं, इनको आपने यहाँ पर कोड देना है और ये आपको एक टास्क होगा और ये आपको आपके जो है ना वो 2,2800 कर देंगे। मैंने कहा वाह ग्रेट। तो मैं यहाँ पर हमज़ा सर के पास चला गया, चले हमज़ा सर के पास जाते हैं। यहाँ जो है ना आपने एक लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है और इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना। मैं इस लिंक के ऊपर स्पेशल गया, मैंने यूज़र नेम दिया, इसका रेफरल कोड दिया, मेरी ये एक बाइनेंस इनका फेक ही ये बन जाता है एप्लीकेशन वगैरह, ये वेबसाइट है फेक है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे इन्होंने हायर कर लिया, मैंने उसमें रजिस्टर कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका। तो उन्होंने कहा आफ्टर रजिस्ट्रेशन के अभी आपने वेट करना है, मैं आपको रिफ़्रेश का कहूँगा। उन्होंने मुझे रिफ़्रेश का मैसेज किया, मैंने रिफ़्रेश किया तो ये मेरा बैलेंस 2,000 हो गया था। मैंने कहा यस सर शो नेक्स्ट, क्या करना है, 2,000 बैलेंस शो हो गया। तो उन्होंने कहा ग्रेट, आपकी गुड जॉब है, अब आपने 3 मिनट वेट करना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है वेट कर लेते हैं। अभी उन्होंने कहा रिफ़्रेश करें तो ये 2,500 हो चुका था। मैंने कहा वाकई यार ये तो कमाल हो गया। तो उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशन, आप यहाँ पर 2,800 रुपया विन कर चुके हैं, ठीक है, आपका बिट लगी थी, अभी आप अपने रिसेप्शनिस्ट से कहें कि हमें 2,800 रुपया सेंड कर दें। अभी मूव करते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास, ठीक है। ले जी आगे वापस हम मरियम बेगम साहब के पास, डाकू साहब के पास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्लीज़, मैंने इनको कहा कि मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, हमजा सर ने मुझे ये कहा है, तो उन्होंने कहा मैंने कहा आई हैव, उन्होंने कहा प्लीज़ वेट फॉर द पेमेंट ईयर। मैंने कहा ठीक है वेट कर लेते हैं। तो दस्ती कसम खुदा की 1 मिनट के अंदर मुझे 2,800 रुपये का मेरे जो है ना वो जैज़ कैश में विड्रा भी आ गया, ठीक है इनका। तो मैंने कहा यार कसम खुदा की ये बड़ा कमाल का काम है, ठीक है, विड्रा भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, तो मेरी तो समझ लें कि लक लग गई है। तो मैंने कहा नेक्स्ट जो है ना वो उन्होंने फिर एक टास्क दिया जिनमें 3 टास्क लें, बहुत पैसे आपने इकट्ठे कर लिए। उन्होंने कहा अभी आप 5,000 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार 2,000 नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा नहीं 5,000 लगाएं, ज़्यादा पैसे कमाएं। तो मैं भी यार लालच में आ गया, 5,000 का 7,000 बनना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं 5,000 लगा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सादा पे का अकाउंट सेंड किया, ठीक है, हमीदा बीबी के नाम से, और मैंने जस्ट आंखें बंद करके 5,000 रुपया जैज़ कैश से सेंड कर दिया। उन्होंने कहा वेरिफिकेशन का वेट किया और उन्होंने दोबारा मुझे कहा कि हमजा सर के पास जाएं, ये आपकी पेमेंट कोड है और ये आपने हमजा सर को देना है। तो मैं दोबारा हमजा सर जो है ना डाकू साहब के पास चला गया। हमजा सर को मैंने जाके वो 5,000 वाला स्क्रीनशॉट हाथ में दिया और हमजा सर ने कहा कंग्रेचुलेशन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 1-2 ऑर्डर जो है ना वो उसमें आपकी अर्निंग मिस भी हो सकती है, ठीक है, आप एग्री हैं। मैं बस लालच में था कि यार 5,000 देना है, 7,000 का सिक्का मिलना है, मैं क्या ठीक है एग्री है भाई। उसने क्या किया नेक्स्ट गेम खेलना मेरे साथ शुरू कर दी। अब उसने क्या किया कि यहाँ पर मुझे गलती से एक स्क्रीनशॉट सेंड, और अब वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप में मुझे ऐड किया, एक अलहदा ग्रुप बनाया जिसमें 3 मेंबर थे और चौथा मैं था। अब वो 3 मेंबर जो है बगैरत थे, वो स्कैमर ही थे, लेकिन वो मेंबर बनाए हुए थे उन्होंने, ठीक है। और उनको जैसे उन्होंने कहा कि अभी आपका जो नहीं ये टास्क है अप लेवल के ऊपर चला गया, मर्चेंट आपसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ है कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है और ये आपने नेक्स्ट बिट में चले गए हैं, अभी आपको 18,300 रुपया और देना होगा। तो यार मेरे तो पैरों नीचे ज़मीन निकल गई। तो मैंने कहा यार 18,300 तो मेरे को नहीं है, ये देखें ये डिटेल उसने मुझे सेंड की, ये ग्रुप में थी सारी डिलीट कर दिया बगैरत के बच्चे ने मुझे। यहाँ पर पहले 7,000 हमारा बन गया था, 5,000 किया 7,000 बन गया, 18,300 अभी कहता और देना है।
यार मैं इतना लालची था, मैंने अगली भी इसकी चीज़ें नहीं देखी। मैंने क्या किया, मैंने उसको तरले करने शुरू कर दिए मिनते कि यार मेरे पास बजट नहीं है 13,000 का। उसने कहा कहाँ से भी करो, बकरी बेचो, लेला बेचो, जो भी बेचो, इसको 13,000 करना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, आपके ये भी मर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कैसे भी जुगाड़ लगा के इनको कहा कि 13,000 सेंड कर दूँ, काम चलेगा। उसने कहा ठीक है 13,000 कर दो। मैंने अकाउंट नंबर लिया और जस्ती से इनको 13,000 दोबारा बिना सोचे समझे जैज कैश कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, जल्दी से काम को ख़त्म करें। नेक्स्ट उसने कहा कि हो 5 मिनट बाद ना मर्चेंट आईडी रिप्लाई आ गया कि आपने 18,300 से कम सेंड किए, तो ये आपका टास्क तो प्रूव नहीं हो सकता, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपका टास्क डिसक्वालीफाइड होएगा और जो आपके पैसे चले गए हैं ये भी मर सकते हैं। मैं इतना परेशान, मैंने बाइक निकाली और जल्दी से सात गाँव में गया और 5,000 दोबारा इनको सेंड किया। ठीक है, 5,000 सेंड किया। अब फिर क्या हुआ कि ये मेरा रिसेप्शनिस्ट था, वो सर था हमजा। ठीक है, मैंने इसको कहा कि अभी ये क्या ड्रामा है, ये कह रहे हैं कि पहले 5,000 का 7,000 बन जाएगा, उसमें दोबारा फिर हमें कह रहे हैं कि 18,300। मैंने पता नहीं कैसे करके 18,300 किया, अब ये कह रहे हैं कि 10,500 रुपया और दें, ये टोटल आपका बन जाएगा 54,000। ठीक है, जिसमें आपको ये विड्रा मिलेगा 43,200 का। ठीक है, तो मैंने इनको बड़े तरले किए, ये जो मरियम बेगम साहब हैं, डाकू साहब हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका जो टीचर है यही आपको कर सकता है। मैंने बड़ा तरले किए टीचर के भी, और मैंने इनको भी कहा कि मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, बहुत गरीब हूँ, माड़ा बंदा हूँ, बेचारा हूँ, लगर्ज हूँ, यतीम हूँ, लेकिन इन कुत्ती के बगैर तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, अब मेरे से इतना गुस्सा है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्या किया कि मैं यहाँ पर हमजा के पास चलता हूँ। अब नेक्स्ट मैंने इसको तरले किया कि मेरे यहाँ पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वही मुझे रिटर्न कर दे, मेरे पास 10,500 और नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो इसने क्या किया, दस्ती से मुझे जो एडवांस ग्रुप था उसमें से और दूसरे ग्रुप में रिमूव कर दिया। और नेक्स्ट इसने कहा कि आप जब कर लेंगे इन्वेस्टमेंट की, जब 10,500 का बंदोबस्त हो जाएगा तो फिर मुंह उठा के हमारे पास आ जाएगा, वरना आप चुप करके बैठ जाएं। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, तरले की, मैं रो रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं। अब नेक्स्ट इस बंदे का दोबारा फिर सुबह मैसेज आया कि गुड मॉर्निंग आर यू रेडी कंप्लीट द टास्क। इनका यहाँ तक बग़ैरत के बच्चों का यहाँ पर बेड़ा गर्क हुआ है कि नेक्स्ट डे भी मुझे बुला रहा है कि आ जाओ 10,500 रुपया और, क्योंकि उसको पता है ये पागल है, इसने कर देना। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है। और यहाँ पर नोट पैड में आते हैं, ये इनके अकाउंट नंबर है, ये भी आपने देख लेने, अगर खुदा नखास्त आपको ज़िंदगी में कभी आए तो ये अकाउंट नंबर याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से एक भी हो तो समझ आइएगा ये बग़ैरती है। और ये कुछ ऐसे इनके यहाँ पर रूल्स होते हैं, 2,000 का 2,500, 5,000 का 700, ये सारी चीज़ें बकवास। ठीक है, रहना है और बहुत होशियार रहें। ये पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंडिंग के ऊपर है, हर बंदे के साथ ये बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरे दो दोस्तों के साथ अल्लाह कसम, एक के साथ 36,000 का हुआ है, एक साथ 1.5 लाख का हुआ है। इतने रो रहे थे कि यार, मैंने खुद यहाँ पर जो है ना FIA में गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बनी। ठीक है, कोई बात नहीं सुनता, इसलिए जो है ना वो अपने आप को सेफ रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।